और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है, इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। कश्मीर का चहुंमुखी विकास हो, यह मोदी जी की दिल की इच्छा है। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करें। अब खैर, बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं, मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा दिया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ एक कदम उठाया गया है और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए, कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। और ये विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। मुझे कहते हैं 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू क्यों लगाया, इंटरनेट क्यों बंद करा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह करते हैं। मैं आज इन सबको जवाब देना चाहता हूं, आप भी मेरे सामने बैठे हैं, ये कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता इतना ही अधिकार रखती है जितना इस देश पर मेरा अधिकार है, उतना ही आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता, कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, गोली चलानी पड़े। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है, ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए, आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मारा गया ठीक नहीं हुआ, मगर मारा उसने ठीक किया क्या, वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं,
उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा। मित्रों, बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि कर्फ्यू बंद है, इंटरनेट बंद है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सारे तहसील पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, जिला पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए, भैया कितनी जमीन चली गई, दो साल हो गए, कितनी जमीन चली गई। ये झूठ फैलाते हैं। अगर आए आपके गांव में आपको मिलने के लिए तो बताना कि मेरे गांव में तो जमीन नहीं गई भाई, आप कहते थे क्या हो गया। ये सच नहीं मित्रों, ये विकास को बांध कर रखना चाहते, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते, 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते। मनोज जी ने 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो या जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, आज भी 6,000 लोगों को यहां से नौकरियां मिलने वाली। मैं आपको दावे से कहता हूं, ना एक भी सिफारिश हुई है, ना एक भी व्यक्ति को पैसा देना पड़ा है। ये जो जमाना था ना अपने आसपास वालों को नौकरी देने का, वो जमाना समाप्त हो गया।